विधानसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई भारी मात्रा में वोटिंग। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल रहेंगे बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। ब्राजील ने भारत की स्वदेशी वैक्सीन लेने से किया इनकार, मैन्युफैक्चरिंग मानकों पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ब्याज दर वाले कदम पर यू टर्न के बाद प्रियंका गांधी ने कसा तंज, बोली चूक हुई या चुनाव के मद्देनजर बदला फैसला। कोरोना ने लैंगिक असमानता की खाई को किया और गहरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में 156 देशों में से 140वें स्थान पर भारत, पिछले साल की तुलना में 28 पायदान नीचे गिरा। भारत से व्यापारिक संबंध शुरू करने के फैसले पर पाकिस्तान सरकार ने लिया यू टर्न, अनुच्छेद 370 की वापसी तक लगाया प्रतिबंध। और साउथ के राज्यों में चुनाव के बीच साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज रजनीकांत 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किए जाएंगे सम्मानित, केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान।